जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं कि जिन्हें पता नहीं है कि उनका सीट अलॉटमेंट डेट आ चुका है, ओके, तो कृपया जाएं वेबसाइट पे और चेक करो, या फिर मैं यूट्यूब पे डाल रखा हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका सीट अलॉटमेंट डेट कब से, 7 से, ओके, 7 को सीट अलॉटमेंट पता चल जाएगा और 8 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, हर एक डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ। मैं तो लगभग 1 से 2 बार ट्रायल कर चुका हूँ ये एग्जाम, नीट एग्जाम, जेईई मेंस, हर एक एग्जाम, ओके। तो देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स, देखो डॉक्यूमेंट्स का डेट कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़, कब का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सीएलसी नहीं है, क्या करे, फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, ओके, हर एक डाउट में क्लियर करता हूँ। तो कैसे हम लोग देखेंगे, तो ये देखेंगे हम लोग नोटिफिकेशन में, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एसेंशियल है, ओके, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आगे बढ़ने से पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करना है, भूलना नहीं, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपके पास पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगेन, ठीक है। तो ये आपका रहा, ठीक है, देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया था ना दिसंबर में, वही है, ओके। उसके नीचे आते हैं, देखो क्या क्या, और आपको किसी को पता, मतलब डाउट रखता हो आपका है कि नहीं है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ना पीएम, यहाँ दिख रहा होगा ना पीएम और पीएमएम, ओके, कब का है, 19/12/21, यहाँ देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 से देखना है, कहाँ से, ये रहा 8, ओके। आपके मन में जो भी डाउट होगा ना, हर एक डाउट में क्लियर करूँगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले यहाँ से देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ से एक है ना कॉम में, देखो मूल प्रमाण पत्र क्या है, मैट्रिक का, तो मैट्रिक से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो हर एक डॉक्यूमेंट्स इसी में मेंशन है कि क्या चाहिए, 12th का हर एक चीज़, ओके। तो देखो क्या है, मैट्रिक्स के संबंधित परीक्षा का, देखो मूल प्रमाण पत्र जो कि 1.5 ईयर में बन जाता है, मूल प्रमाण पत्र बोले दो, मेन सर्टिफिकेट, ओके, उसका क्या है, मूल अंक प्रमाण पत्र, ये क्या हो गया, मूल अंक प्रमाण पत्र बोले तो मार्कशीट, ओके। और देखो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना, ओरिजिनल लेके आपको जाना है, उसके साथ साथ 3 कम से कम फोटो कॉपी, कितना नहीं, 2 फोटो कॉपी, कितना, 2 फोटो कॉपी होना चाहिए। और फोटो कितना चाहिए, तो फोटो 16 लेकर जाना आप, कितना मैं बोल रहा हूँ, 16 ही लेकर जाना है, क्लियर। उसका देखते हैं क्या बोला है, मूल अंक है ना, देखो मूल उपबंधित प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण, उसका देखो ये क्या है पता है, ये एडमिट कार्ड है। 10th का क्या क्या चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, उसके बाद एडमिट कार्ड चाहिए, क्लियर। अगर प्रोविजनल है, माइग्रेशन है, तो आप वो भी लेकर जाओगे, क्लियर, है तो लेकर जाना है, क्लियर। अगर जिसके पास कोई अगर नहीं है इसमें से, अगर जिसका एडमिट कार्ड नहीं है, फटा है, जो भी हो, अगर वही लेकर जाना है, नहीं है तो फोटो कॉपी लेकर जाना, क्लियर, नहीं है तो फोटो कॉपी लेकर जाना, लेकिन तो वहाँ वहाँ पर कुछ पंगा करेगा तो आपको बोला जाएगा हाफ एडमिट बनवाने के लिए, ओके। उसके आप देखते हैं सेकेंड इंटर, इंटर में कौन कौन सा, इंटर का कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा 12th का, ओके। तो सेकंड में देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है 12th का इंटरमीडिएट की समकक्ष परीक्षा का, ओके, इसका क्या चाहिए, मूल प्रमाण पत्र यानी कि मेन सर्टिफिकेट चाहिए 12th का, उसका क्या है, मूल अंक प्रमाण पत्र यानी कि उसका भी मार्कशीट चाहिए। 12th का सिर्फ 2 ही चाहिए क्या, मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, ओके। उसके बाद थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या बोला गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ देखो है ना, प्रवेश परीक्षा DCC बोर्ड जो भी वगैरह, मूल पर क्या है, मूल प्रवेश पत्र यानी कि DCC का, जिसका आप एग्ज़ाम दी हो, जिसका रिजल्ट आएगा PM PMM का, जो स्टूडेंट्स PM और PMM दोनों का एग्ज़ाम दे रखे हो, आप उसका एडमिट कार्ड लेके जाओगे, दोनों का एक ही एडमिट कार्ड है वैसे, तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अगर जिसका एडमिट कार्ड खो गया वगैरह नहीं है, PDF होगा उसको निकालो, उसमें अपना साइन मारो, जहाँ पे आपका साइन है, जहाँ पे टीचर का साइन है, किसी का साइन मरवा लो, क्लियर, ऐसा ही करना होगा। अगर आपके पास नहीं है, PDF भी नहीं है, किसी स्टूडेंट्स का ले लो, ओके, वहाँ से कर लो, उसमें एडिट करके कुछ एडिट करना होगा, फॉर्मेट बनाकर आप डाल लो, ओके। उसके बाद फोर में क्या है, मूल जाति प्रमाण पत्र, देखो क्या जाति प्रमाण पत्र जिसे बोल दे तो कास्ट सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, ओके, कब का होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, कितने दिन का, 1 साल के अंदर कोई भी हो। और जाति प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है कि आपको OBC तो OBC सर्टिफिकेट बनवाने चल रहे हो, नहीं, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई भी लेवल का हो चलेगा, सर्कल लेवल जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट से ही बनवाना, नहीं, आप ब्लॉक से भी बना रहे हो ना, ब्लॉक का भी चलेगा, ओके। उसके बाद मूल आवासीय प्रमाण पत्र समझ के, रेसिडेंशियल जिसे बोलते हैं, जाति आवासीय प्रमाण पत्र, वो भी किसी लेवल का चलेगा, जरूरी नहीं कि उसी लेवल का लेकर जाना है, नहीं, कहीं कोई लेवल का चलेगा, ओके। उसके क्या चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र बोले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कहाँ का चाहिए, कॉलेज का चाहिए, कॉलेज का अगर नहीं है आपको, आपके पास एकदम है ही नहीं, जिस लास्ट सर्टिफिकेट लास्ट कॉलेज जहाँ से पास किया वहाँ का नहीं है, तो आप अपने मन से पुलिस से बनवा के लेके जा सकते हो थाना से, लेकिन उसमें लगता है किस चीज़ का, कॉलेज वाला ही लगता है, ओके। उसके बाद ये कहा है, विवरण प्रस्तुतिका 1 और 2 में
वर्णित की अन्य प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो तथा इकोनॉमी EWS सर्टिफिकेट, ये कब का चाहिए? ये भी एक साल का चाहिए, ओके क्लियर। और DQ ये विकलांग वालों के लिए भी चाहिए प्रमाण पत्र आदि, ठीक है, जिसका जो चाहिए वो लगे, क्लियर। उसके बाद यहीं तक क्लियर है। अब आगे क्या देखते हैं कि आगे क्या चाहिए आपको। अच्छा 10 सेकंड हाउ यू डू स्कैन। ओके तो ये हो गया जितना भी वेरिफिकेशन था। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो यहाँ देखो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ओके। और उसका 2 फोटोकॉपी लेकर जाना है, कितना? 2। उसका इतना इसमें क्या लिखा है, DCEC के लिए ऑनलाइन के लिए किए गए ना एप्लीकेशंस, जस्ट ए सेकेंड, एप्लीकेशन फॉर्म में पार्ट ए और पार्ट बी की हार्ड कॉपी। पार्ट ए पार्ट बी मैं बोल रखा हूँ, कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताऊँगा आपको कि पार्ट ए पार्ट बी कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड होगा, ओके। उसके बाद इसका पूरा फोटो को जितना है ना सब लेकर जाना है आपको। रैंक कार्ड होगा आपके पास जिससे आप लोग चेक करते हो, वो भी लेकर जाना है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन चॉइस, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग, जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर रखे थे ना, तो जो चॉइस फिलिंग का पूरा फाइल है ना वो लेकर जाना है। चॉइस फिलिंग करने का डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है ना कि आपके पास, जिसमें आप लोग हम लोग मुझे भेज दे रहते हो कि फर्स्ट में ये चॉइस किया हूँ, सेकेंड में कौन सा है, GNN पहले रखे हो या फिर कोई NM रखे हो या फिर पहले जो भी वगैरह वगैरह है, ठीक है, वो उसका PDF चाहिए। किसका? चॉइस फिलिंग का, क्लियर। जो आपको मिला होगा चॉइस फिलिंग करने के बाद डाउनलोड कर रखे हो ना वो चाहिए ही। जिसके पास नहीं है ना स्क्रीनशॉट है ना उसी को फोटोकॉपी करवा लियो, ठीक है। उसके क्या डाउनलोड के लिए, डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर, ये तो वो ये डाउनलोड कब होगा? 7 तारीख को डाउनलोड होगा, 7 से स्टार्ट होगा, ओके। ये क्या है, आपको अगर कोई कॉलेज मिलेगा ना तो वहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के बाद नीचे में रहेगा डाउनलोड करने का। कैसे आएगा मैं उस दिन बता दूंगा कि ये कैसे डाउनलोड होगा, ओके। वो लेटर मिलेगा उसमें मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कॉलेज का बायोडाटा रहेगा पूरा, और रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा वो भी मेंशन होगा, ओके। उसके बाद इसमें देखते हैं लास्ट क्या है, द वेरिफिकेशन स्लिप, ओके, जांच पर्ची इन 2 copies एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक फॉर्म। बायोमेट्रिक फॉर्म वो भी बोला है, ऑलरेडी मैं बोल रखा हूँ कि बायोमेट्रिक फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा। तो पार्ट ए पार्ट बी, ओके, और बायोमेट्रिक वाला, ये 2 डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड कर रहा है वो मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ, ओके। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि वांछित जो भी है वगैरह उसी डेट पर जाना है। तो टोटल इतना चाहिए। अब देखो उन स्टूडेंट के बारे में बात करता हूँ जिनको ये डाउट है कि उनका CLC नहीं है। तो देखो CLC मस्ट है, कुछ हो ना हो CLC आपके पास होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट था यहाँ आप देख लो, CLC कितना है, मस्ट है। अगर CLC नहीं है ना तो जिस कॉलेज का आप, जरूरी है कि 12th का ही CLC चाहिए, लास्ट क्वालिफिकेशन आपका जो था उसका CLC आपको लेकर जाना है। तो आप लोग कोशिश करना कि ग्रेजुएशन तक का ले ले, ऐसा मत करना कि मास्टर वाला भी लेकर जा रहे हो, ठीक है। अगर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो आपको कॉलेज छोड़ना होगा, क्योंकि बिहार में 2 जगह से अगर करोगे तो आप लोग 99.9 चांस है कि आप धरे जाओगे, फालतू में दोनों का क्या हो जाएगा, डिग्री कैंसिल कर देगा। जैसे मैं क्या किया था, मैं चेन्नई से पढ़ा हूँ तो एक डिग्री यहाँ से एक डिग्री वहाँ से कर सकते हो, लेकिन दोनों डिग्री आप सोचोगे मैं यहीं से ले लूँ तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, FIR सब हो सकता है आप पे, ओके। अगर नहीं दे रहा है आपको कॉलेज, बोला है कि नहीं दूंगा मैं सर्टिफिकेट, नहीं दूंगा, क्लियर, ऐसे बोला है ना, कुछ नहीं करना है आपको। एक उपाय, सिर्फ एक ही उपाय इसका है, करना क्या आपको, पहले देखो आपका डेट जिस दिन है ना 7 तारीख 7 को अगर सीट अलॉटमेंट में आपका नाम आ गया, उसी दिन जाओ कॉलेज, उसको बोलो कि मेरे को कॉलेज से नाम कार्ड कटाना है। नहीं मानेगा, आप बोला कि मेरा दूसरे कॉलेज में हो गया, वो जो डॉक्यूमेंट है ना सीट अलॉटमेंट लेटर, उसको लेकर जब मेरा अलॉटमेंट हो चुका है अब मुझे अपना डॉक्यूमेंट दे दो, आपका नाम काटेगा कॉलेज से, आपको ड्रॉप आउट लेटर दे देगा, यानी कि आप कॉलेज को ड्रॉप कर दियो, वो लेटर लेकर जाने का, खेला खत्म। जरूरी नहीं है कि आपका ही CLC देगा, नहीं, अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो ना वो भी CLC ही काम आएगा, वो ड्रॉप जो देता है ना इसके बाद, यानी आप कहाँ कहीं भी नाम लिखा सकते हो, क्लियर। इसका डाउट क्लियर हो गया, लेकिन 2 जगह से मत करना, अभी भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, वो मैं बोल रखा हूँ, 1 साल 2 कॉलेज में पढ़ना कानूनन अपराध है, नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स कितने दिन का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। इसके अलावा अभी और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लेकिन CLC मस्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोविजनल नहीं है चलेगा, माइग्रेशन नहीं है चलेगा, CLC मस्ट है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी डाउट हो फिर से कमेंट कर सकते हो आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।